2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के आज सदर विधायक पल्लूराम और मंत्री बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने आप यहाँ के विधायक मंत्री जी किस मुद्दे को लेकर के फिर दोबारा जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा जो विकास की किरणें दूर दूर तक 1997 में इस जनपद के गठन के बाद नहीं पहुंची थी, आज उस विकास की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम किया है। और कोरोना काल के कारण जो विकास की योजनाएँ अभी पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाई हैं, उन योजनाओं को हम पूर्ण रूप से संपन्न करा करके आम जनपद के रूप से कोरोना काल के कारण हमारा बाईपास का निर्माण युद्ध स्तर पर है और बेमौसम बारिश के कारण वो हमारा कार्य अभी कुछ 10-15% बाकी है, उस कार्य को हम पूरा कराएंगे। और जो हमारी सरकार ने रिंग रोड का DPR बना करके शासन में भेजा है, उस DPR को हम मंजूर करा करके हम बहराइच रोड से तुलसीपुर रोड से रिंग रोड बना करके हम पूरे जनपद बलरामपुर वासियों के लिए एक बेहतर हम सड़क की सुविधा देने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज का कार्य हमारा कुछ अभी बाकी है, वो बहुत जल्द ही निर्माण करा करके हम जनता को समर्पित करेंगे। दूसरी हमारी बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या है छुट्टा जानवरों से किसानों के फसल का जो नुकसान हो रहा है। हम गांव-गांव में गौशाला बना करके हम अपने गौवंश की रक्षा करने का काम करेंगे। आप गौशाला की बात की है, अभी कुटहना मुजफ्फरपुर में दर्जनों गायें मर गई हैं, उनको JCB से उठा करके गड्ढे में पाटा गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ गौ माता के नाम पर आई थी और आज उन्हीं गौ माता भूखे प्यासे तड़प तड़प करके सदर विधानसभा में मर गई, उसका क्या क्या इसकी सरकार अधिकारियों की लापरवाही, किसकी लापरवाही? देखिए, जन्म और मृत्यु ये ईश्वर के हाथ में होता है। जब जिसका मृत्यु निश्चित है वो हो जाएगा। हमारा काम है कर्म करना, हम कर्म करेंगे, हम गौवंश की रक्षा करेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। सदर विधानसभा में ग्रामीण एरिया में उत्तर प्रदेश सरकार का नारा था गड्ढा मुक्त, लेकिन सदर विधानसभा में ग्रामीण स्तर पे अभी भी उस स्तर पे काम नहीं हो पाया जिस स्तर पे होना चाहिए। क्या अगर दोबारा आप चुन करके आते हैं तो क्या इसका कार्य कैसे होगा? नहीं, जो भीषण बारिश के कारण कुछ सड़कें, ये भी हम जानते हैं कि इस बार रिकॉर्ड टूटा है। जहां 20-20 साल पहले जहां पानी नहीं था, उस बरसात के कारण, पहाड़ी नारे के कारण कुछ सड़कें हमारी जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, वो सड़कें शासन द्वारा मंजूर भी हैं, लेकिन बेमौसम बारिश के कारण वो सड़कें समय से बन नहीं पाई हैं। उन सड़कों को आचार संहिता खत्म होते ही हम पूरा कराने का काम। समाचार भारत की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप दोबारा सदर विधानसभा के विधायक बनकर आइए और मंत्री बनिए और यहाँ की जनता को विकास करिए। तो ये थे बलरामपुर के विधायक पलटू राम और मंत्री, जिनका साफ कहना है कि 2022 में विधायक बनेंगे तो जो भी आधा अधूरा काम पड़े हैं उसको पूरा हम करेंगे, चाहे वो सड़क हो, मेडिकल कॉलेज हो, रिंग रोड हो, ऐसे तमाम दर्जनों काम जो आधे अधूरे पड़े हैं उसको पूरा करके और जनता को सौगात देंगे। लेकिन अब देखना है कि 10 मार्च को जब EVM खुलेगा तो पलटू राम विधायक का भाग्य का फैसला 10 मार्च को पता चलेगा। अब ये अखिलेश कुमार, समाचार भारत, बलरामपुर।